ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जहां 20 सालों से लगातार रविवार के दिन और यदा कदा कभी छुट्टियां पड़ती हैं तो उन पर रामचरितमानस का पाठ किया। जो मानवता और फिर नैतिकता जो हाथ हो रहा है उसमें अपने को बदलाव करने को अच्छा चांस मिलता है राम के समान। एक ऐसा गांव जहां विगत 20 वर्षों से रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला डिंडोरी के विकास खंड करंजिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रामनगर में यहां के ग्रामीणों द्वारा रामचरितमानस मंडली का निर्माण कर सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नर्मदा प्रसाद पेंद्रो के नेतृत्व में विगत 20 वर्षों से रामचरितमानस का पाठ कर जनमानस उत्थान हेतु एवं समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से मिटाने हेतु इस धार्मिक पाठ का आयोजन होता आ रहा है। पेंद्रो जी ने बताया कि आज समाज में जिस तरह का वातावरण दिखाई दे रहा है वह आने वाले कल पर भारी पड़ेगा। विज्ञान और भगवान के बीच रेखा को संजोए रखने की खातिर रामचरितमानस का पाठ कर ग्रामीण इलाकों में मातृ शक्तियों को साथ लेते हुए इस कल्याणकारी कार्य को गतिमान किया जा रहा है। डिंडोरी से दिलीप कुमार पटा की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। के बारे में बात करेंगे जहां 20 सालों से लगातार रविवार के दिन और यदा कदा कभी छुट्टियां पड़ती हैं तो उन पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। मेरे साथ इस मानस मंडली के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद पेंद्रो जी हैं और उनके मंडली के और भी सदस्य हैं। आप देख सकते हैं कि इस मुहिम में लोगों द्वारा काफ़ी सराहनीय प्रशंसा भी किया जा रहा है और ये जो रामचरितमानस का जो पाठ है 20 सालों से निरंतर चल रहा है। इस कड़ी में हम रामचरितमानस का पाठ हम अक्सर रविवार के दिन करते हैं, अक्सर शाम को, कभी कभी शनिवार के शाम को या रविवार को, और छुट्टियों के दिन में अक्सर किया करते हैं। तो इसके पीछे क्या आपकी मंशा है जो कि 20 सालों से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ विषय होगा। सर, अक्सर देखा जाता है कि अमीर लोग तो बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके, बड़े बड़े पंडितों को बुला करके भागवत पुराण करा लेते हैं, कथा वाचन करा लेते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग जो गरीब होते हैं वो कुछ भी नहीं करा सकते और उनके बीच में फैली कुरीतियाँ जस की तस रहती हैं। अतः हमने रामचरितमानस का अध्ययन किया और उसमें पाया कि इसके माध्यम से हम अपने आदिवासी समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे आदिवासी समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संगीत के माध्यम से जो रामायण का रामचरितमानस का जो पाठ किया जाता है, इसका जो गायन किया जाता है, उसमें बहुत बहुत सारी हमको सीख मिलती है। तो ये एक सामाजिक मुद्दा है सामाजिक उत्थान के लिए। तो मैं आपसे एक और विषय में इस विषय में प्रश्न करना चाहूँगा कि रामचरितमानस का जो पाठ 20 वर्षों से किया जा रहा है तो गांव में अभी किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? चंद्र जी, ये जो आप रामचरितमानस का पाठ 20 वर्षों से कर रहे हैं, इसमें अभी तक समाज में और किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? ऐसा क्या है जो इस रामचरितमानस के माध्यम से आप जनमानस तक पहुँचाना चाहते हैं? सर, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये जो है एक नैतिकता और मानवता का संदेश दे रही है। और जबकि आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में अक्सर लोग बाग माता पिता के पैर छूना भूल गए हैं, जिससे समाज में और कहने की अभद्रता का व्यवहार बच्चों में देखा जा रहा है और मार्केटों में तो किसी को कोई नहीं पहचान रहा है। ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं और जो मानवता और फिर नैतिकता जो हाथ हो रहा है उसमें अपने को बदलाव करने को अच्छा चांस मिलता है रामचरितमानस के माध्यम। तो आपके कहने के मुताबिक कि रामचरितमानस के माध्यम से हम अपने बच्चों में वो परिवर्तन लाएं जो कि हमारे पूर्वजों में देखा जाता था, आपके कथन का अर्थ यही है क्या?
कुछ तो ये भी है कि हम नैतिकता को न भूलें, मानवता को न भूलें और विज्ञान का तो सहारा लेंगे ही, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से आधुनिक दुनिया चल रही है और उसी के माध्यम से हमारी उन्नति प्रगति निश्चित है और विज्ञान ने हमको वो सीख दे रही है कि आज सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन हम विज्ञान पर ही ना दौड़े, हम जो हमारे जो कहने की नैतिकता मानवता है, माता पिताओं के प्रति जो भाव है उसको ना भूलें और नैतिकता का संदेश, मानवता का संदेश हम इस रामचरित मानस के माध्यम से दे पाएं। तो जैसा कि अभी आपने चंद्र जी को सुना कि वो रामचरित मानस के माध्यम से जनमानस के लिए और जन कल्याण के लिए एक कल्याणकारी मुहिम छेड़े हैं, Thank you.